आप लाइव है सर, प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। नमस्कार किसान दोस्तों, आज फिर हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं बायो रैशनल्स नेक्स्ट की एक और कड़ी में। तो जैसा कि अब तक आप सभी को पता चल गया होगा, बायो रैशनल्स नेक्स्ट जो है वो हमारी एक श्रृंखला है जो हमने शुरू की थी 2 जुलाई को और जिसकी समाप्ति होगी 19 जुलाई को। और इस श्रृंखला में हम जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग फसलें उगाने वाले किसानों के साथ और उन्हें बता रहे हैं कि बायो रैशनल्स आखिर है क्या और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बायो रैशनल्स का अपनी, कैसे बायो रैशनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आपने हमारे कार्ड में भी पढ़ा होगा, इसका शीर्षक है आज का बायो रैशनल्स नेक्स्ट, कृषि उत्पादन का एक नया आयाम। तो जाहिर है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कृषि उत्पादन के इस नए आयाम की, और इस चर्चा में हमारे साथ होगी पंजाब की पूरी टीम। हमारे साथ है, आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं, हमारे साथ है आज श्री सुनील जवरे पाटिल जी, जो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ के काफी स्टेट्स को देखते हैं, तो काफी अच्छा इनको जानकारी है कृषि व्यवसाय के बारे में और काफी समय से किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। तो जाहिर है इनके साथ हमें काफी अच्छा, हमारी चर्चा काफी अच्छी रहेगी। साथ ही आज है हमारे साथ श्री कमल चौहान जी, जो हरियाणा के हैं और वो भी आपको हरियाणा के किसानों के बारे में और हरियाणा में जो कृषि उत्पादन का जो तरीका है और क्या कॉमन आजकल चल रहा है वहां पर, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। साथ ही हमारे साथ श्री विकास अंतिल जी, जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के जम्मू और कश्मीर में हैं, तो वहां से भी हमें काफी इंसाइट्स मिलने वाली हैं। तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हमारे साथ इन सभी लोगों के साथ हैं श्री मनीष सिंह जी, नागेंद्र सिसोदिया जी, शैलेंद्र जी, अनिल बनाल जी और योगेश उपाध्याय जी। और एक नाम जो हमेशा शाश्वत रहा है इस पूरी श्रृंखला के बीच, वो है श्री सागर जाधव का। सागर जाधव वो हैं जो आपको बताएंगे बायो रैशनल्स के बारे में और कैसे आप बायो रैशनल्स का इस्तेमाल कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो अब आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सुनील जवरे पाटिल जी को कि वो आए और बताएं कि पंजाब में या नॉर्थ के स्टेट्स में अगर हम बात करें तो क्या है बायो रैशनल्स और बाकी बायो रैशनल्स के क्या आयाम हैं कृषि उत्पादन के लिए जो उन्हें दिखते हैं। श्री सुनील जी, ऑल योर्स। सभी किसान भाइयों को फिर एक बार मेरा सुमितोमो कंपनी की तरफ से मैं यहाँ पे इस किसान संगोष्ठी में या ऑनलाइन सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है और मुझे काफी अच्छा लगता है कि जब मैं अपने किसान भाइयों से रूबरू होता हूँ, चाहे किसी भी माध्यम से हो। आज जो है यहाँ पे स्पेशली ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, ये अपने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K यहाँ के किसान भाइयों के लिए किया गया है। और मुख्य इसका कारण है कि इसमें जो सब्जियों का जो बेल्ट है, सब्जियों के जो फार्मर हैं, काफ़ी हद तक हमारे पास में काफ़ी एकरेजेस हैं, काफ़ी अच्छी वराइटीज ऑफ क्रॉप्स हैं, काफ़ी सारी फसलें हम लोग यहाँ पे लेते हैं पंजाब हरियाणा में, सारे अपने बेल्ट में। तो इसके इन सब्जियों में जो बायो रैशनल जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है या फिर हमारे जो सुमितोमो कंपनी का के प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल होता है, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा होता है और इससे काफ़ी किसान भाई संतुष्ट भी है। पर हाँ, हमें और भी किसान भाइयों की राय होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे सेशन किया करो या फिर हमें सुमितोमो के प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल में जानकारी दिया करो, तो इसलिए ये सेशन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। ये काफी बढ़िया सेशन रहेगा क्योंकि अपने जो पंजाब, हरियाणा सारे बेल्ट में है, मैं जानता हूं कि हर जगह पे सब्जियां उगाई जाती है, कमर्शियल तौर पे भी उगाई जाती है और घर के लिए भी सब्जियां उगाई जाती है। तो इन सब्जियों में मुख्य होता है कि एक कंजम्पशन के लिए होती है और डेली कंजम्पशन के लिए होती है, मतलब रोजाना इस्तेमाल के लिए होती है। अब रोजाना इस्तेमाल के लिए होती है तो उसमें जो दवाइयां, जो पेस्ट है, जो डिसीज है, उसको कंट्रोल करने के लिए, बाकी चीजों के लिए जो दवाइयों का इस्तेमाल होता है, उसमें हम सोचते हैं
आप सोचते हो कि ऐसी दवाइयां डाली जाए कि जो हार्मफुल ना हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, जिसका कोई नुकसान ना हो, तो इन्हीं दवाइयों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और अपने किसान भाइयों के लिए जहाँ पे भी अपने पास कई सारे अच्छे एकरेजेस है, जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, चिली, ब्रिंजॉल, ओकरा, पोटैटो, ये सारे क्रॉप्स हम लोग तकरीबन सारे की सारे क्रॉप्स हमारे यहाँ पे होते हैं, फसलें होती हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे सुमितोमो के प्रोडक्ट्स हैं, कौन से ऐसे सुमितोमो के दवाइयाँ हैं कंपनी की जो सब्जियों के लिए सबसे बढ़िया और अच्छी दवाइयाँ हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा कमल जी भी हमारे साथ में है, कमल चौहान जी है जो हरियाणा से, वो थोड़ा सा हरियाणा के बारे में भी बताएंगे आपको कि उस एरिया में कहाँ कहाँ पे सब्जियों का मेजर उत्पादन लिया जाता है, और थोड़ा अपने ज्योग्राफी के बारे में। हाँ जी कमल जी, नमस्कार किसान भाइयों, मैं हरियाणा, पंजाब के, हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के सभी किसान भाइयों को एक बार दोबारा से टीम की तरफ से और सुमितोमो केमिकल जापान की तरफ से इस ऑनलाइन सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा सर ने बताया कि मैं हरियाणा का बिजनेस जो है देखता हूं, और हरियाणा वेजिटेबल्स के लिए सबसे लिए अहम राज्य है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली हमारे बिल्कुल पास में है और सभी तरह की जो सब्जियां हैं वो यहाँ पे उगाई जाती हैं, चाहे वो पोटैटो हो, चाहे वो आपके ब्रिंजल हो, चाहे वो आपकी कैबेज हो, चाहे टमाटो हो, पॉली हाउसेस की बहुत अच्छी खेती हरियाणा, तो मुख्य तौर पे जो वेजिटेबल्स की खेती है हरियाणा में, सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, ये अहम जिले हैं पे खेती होती है, और यहाँ के बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं जो एक नई और अच्छी तकनीक को बहुत जल्दी से समझते हैं और उसको अपनाते हैं। तो आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं डॉक्टर गरिमा से कहूंगा कि वो आगे की कार्रवाई के लिए किसानों को जो संबोधित करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। तो दोस्तों ये थे श्री कमल चौहान और श्री सुनील जावरे पाटिल, और अब हम आगे बढ़ेंगे और आमंत्रित करना चाहूंगी यहाँ पर श्री सागर जाधव को। श्री सागर जाधव जी कृपया आए और हमारे किसान दोस्त जो आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ये जानने के लिए कि क्या है आज बायो रैशनल्स नेक्स्ट की इस चर्चा में, तो प्लीज आए और बताएं। श्री सागर जाधव। बिल्कुल, धन्यवाद गरिमा जी। हमारे पंजाब और हरियाणा के सारे कृषि मित्र, विक्रेता बंधु, सबको प्रणाम है। मैं सागर जाधव आपका इस श्रृंखला में स्वागत करता हूँ, जो सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड ने बायो रैशनल नेक्स्ट इस नाम से ये श्रृंखला चालू की है, और इस श्रृंखला के माध्यम से हम पूरे भारत भर सफर कर रहे हैं और पूरे भारत के जितने भी हमारे सब्जी उगाने वाले किसान हैं या फिर अन्य फसल है, उन सारी फसलों में कैसे हम बायो रैशनल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हमारी सब्जी का उत्पादन हो, चाहे हमारे अन्य फसल का उत्पादन हो, वो अच्छे से अच्छे ले सकते हैं, और ना कि सिर्फ उत्पादन ले, उसी के साथ साथ एक हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं कि शाश्वत खेती कैसे करें, उसके बारे में ये सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड ने कदम उठाया है, और इसके माध्यम से हम ये जन जागृति यहाँ पे किसानों के बीच रह के करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज इस प्रोग्राम में अभी जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और जितने भी लोग आगे जाके इस प्रोग्राम को देखेंगे, मेरी एक विनती रहेगी सबको कि इस प्रोग्राम को आप समझिए, हम क्या कहना चाहते हैं उस बात को समझिए, क्योंकि अभी एक समय आ चुका है कि हमें खेती को एक दूसरे अंदाज से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चैलेंजेस हम एग्रीकल्चर में पिछले कुछ साल से देख रहे हैं, हमारे चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप आज से 50 साल पहले की खेती याद करो, आज से 100 साल पहले की खेती याद करो, यहाँ हो सकता है तीनों जनरेशन हमारे उपलब्ध हो, तो आप पूछ सकते हो उनको कि पहले एग्रीकल्चर में इतने चैलेंजेस नहीं थे, बीच में हरित क्रांति आई, बीच में बहुत सारी कुछ चीजें चेंज होती गई, और उस बदलाव के साथ कुछ चीजें अच्छी हुई लेकिन कुछ चीजें खराब भी हुई,
जिसका असर हमारे पर्यावरण पे हुआ, हमारे खेती पे हुआ, हमारे फसलों पे हुआ, और उसी का परिणाम है दोस्तों, हम देखते हैं कि कई बार हमें अभी चैलेंजेस आते हैं हमारी जमीन में, मृदा में, उसकी गुणवत्ता में। कई बार हमें चैलेंज आता है पौधों की ओवरऑल प्रोडक्शन में, ओवरऑल यील्ड में। तो आज इस सेशन के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि कैसे इन सब जो चैलेंजेस है उससे हम बच सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अच्छा उत्पादन जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ सुमितोमो के इस कार्यक्रम का, जिसका नाम है बायोरेशनल्स नेक्स्ट। तो दोस्तों, बायोरेशनल होते क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं कि ये बायोरेशनल है क्या। दोस्तों, जितने भी उत्पादन आप इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आपकी मृदा अच्छी करने के लिए, जमीन जो है आपकी वो अच्छी करने के लिए, चाहे आपकी जो फसल है उसको बढ़वार करने के लिए, उसमें ज्यादा फूल ज्यादा फल लाने के लिए, या फिर आपके फसल में या जमीन में जितने भी कीट है, नुकसान करने वाले कीट, हानिकारक कीट है, उनको बचाने के लिए अभी फिलहाल आप जितने भी उत्पादन इस्तेमाल कर रहे हो वो बेसिकली दो चीजों से बने जाते हैं। एक तो होते हैं केमिकल बेस्ड और दूसरे होते हैं जो बिल्कुल बायोलॉजिकल या नेचुरल सोर्सेस से तैयार होते हैं, उसको कहा जाता है बायोरेशनल। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन जो इस चीज को बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नाम से भी जानते हैं। तो वो बायोरेशनल या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो तैयार ही आपके बायोलॉजिकल या नेचुरल सोर्सेस से होते हैं। अब ऐसे उत्पाद जो बायोलॉजिकल या नेचुरल सोर्सेस से होते हैं, तो आप उसकी अहमियत समझ सकते हो कि उसका जो है आपके जमीन पे, आपके पर्यावरण पे, आपके जो पानी है जमीन में उस पे कोई भी बुरा असर नहीं हो सकता। तो ये अगर बायोलॉजिकल्स है तो उसका उपयोग हमें क्यों करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ साल पहले की जो खेती और अभी की जो खेती है वो काफी बदल गई है। आप देखिए, कुछ ऐसे फसल है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर पेस्ट है उसका बहुत ज्यादा अटैक आ जाता है। हम किसान भाई समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एकदम से एकदम बारिश आ जाती है, क्यों कभी कभी एकदम बारिश रुक जाती है, ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद एक ही जमीन में एक ही वैरायटी के क्यों अलग अलग ग्रोथ स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं, क्यों यील्ड के पैरामीटर्स हमें डिफरेंट मिलते हैं। तो वो है आपके सॉइल्स के प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं जो चीजें अभी हम करते आए हैं, चाहे आप कहो जो रासायनिक खाद हम इस्तेमाल करते आए हैं, चाहे आप कहो जो हानिकारक रासायनिक कीटनाशक दवाई हम इस्तेमाल करते आए हैं, उसी का ये परिणाम है। और इसी का ये परिणाम है कि आपका जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी में सिर्फ मानव नहीं है, इसमें सब लोग है, मानव है, पशु है, आपका नेचर है, पानी है, पूरा पर्यावरण है, तो इसका बैलेंस कहीं ना कहीं हमें बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हानिकारक केमिकल्स का हम ज्यादा उपयोग जब कर रहे हैं उसकी वजह से। तो मुझे लगता है बायोलॉजिकल का उपयोग हमें इसलिए करना चाहिए कि फिर से एक बार हमें कुदरत की मिली जो रेडीमेड चीजें है उनके तरफ बढ़ना पड़ेगा, कुदरत की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और जब हम वो सब चीजों का फिर से एक बार इस्तेमाल करने लगेंगे तो ओवरऑल इकोलॉजी का जो है आपका बैलेंस बैठेगा। उसके साथ दोस्तों, हम आप लोगों को पूरा जो कहा मतलब समझ में आता है कि आप लोगों को कहा जाता है अन्नदाता। जब हम अन्नदाता कहलाते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि जो भी हमारा सब्जी है, फल है या धान है, बाकी भी सारी चीजें जो हम खेती से उगाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी उसको खा रहे हैं उनको बिल्कुल कम पेस्टिसाइड रेसिड्यू के साथ वो उनको दे, ताकि जो भी लोग उसको खा रहे हैं उनको कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होगा। तो एक हमारी जिम्मेदारी है कि सेफ फूड जो है वो हमें बनाना चाहिए और वो हमें हमारे एंड यूजर तक पहुंचाना चाहिए। तो उसी के लिए भी हमें बायोलॉजिकल्स का उपयोग जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बायोलॉजिकल्स जो प्रोडक्ट होते हैं वो टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। यानी आप देखो, सब्जियों की अगर मैं बात करूं, जैसे फूल अवस्था में आपकी कोई सब्जी है, टमाटर है, मिर्च है या अन्य फसल है, उसमें अगर इल्ली का प्रकोप है, आपने कोई हानिकारक दवा वहां पे डाल दी, अब आपको पता है मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का आपके पॉलिनेशन में, परागीकरण में बहुत बड़ा रोल है।
लेकिन उस समय अगर आपने कोई हानिकारक दवा डाल दी तो वो अल्टीमेटली आपके मधुमक्खी को नुकसान पहुंचाएगी। मधुमक्खी को नुकसान पहुंचने के बाद आपका जो परागीकरण है, पॉलिनेशन है, वो वहां पे डिस्टर्ब होगा और फूल का रूपांतर जो फल में होना चाहिए वो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम एक कीट को कंट्रोल करने के लिए बाकी हमारे जो फ्रेंड कीट है, मतलब मित्र कीट है, उनको भी मार गिराते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल्स का ऐसे नहीं होता है, वो टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। जिस कीट को आप मारना चाहते हो उसी पे वो काम करते हैं। और जैसे मैंने आपको बायोलॉजिकल्स बायोरेशनल्स क्या है ये बोला कि ये पूरी तरह नेचुरल सोर्सेस से तैयार होते हैं, तो जब हम इनका उपयोग करते हैं तो इनका कोई भी जो रेसिड्यू है वो ना तो जमीन में रहता है, ना तो पानी में रहता है, ना तो पर्यावरण में रहता है। तो बिल्कुल ये 100% जो है डिग्रेड होते हैं। अब बात आती है, हमारे बहुत सारे ऐसे पंजाब के हरियाणा के किसान हैं जो हमें यहाँ पे कॉल करके पूछते हैं कि हमें तो बायोलॉजिकल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जैसे सुनील जी ने भी कहा, हमारे पंजाब हरियाणा के ऐसे बहुत से किसान हैं जो अपनी जो फसल है वो बेचते भी हैं और वो घर पे उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो दोस्तों, क्यों हम ऐसी फसल खाना चाहेंगे जिसमें हानिकारक कीटनाशक दवा हो, जिसमें हानिकारक जो है केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स वहां पे उसमें बहुत इस्तेमाल किए हो, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। और इसी का परिणाम है हमारे पंजाब हरियाणा के ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो हमें पूछते हैं कि सर हम बायोलॉजिकल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जब हम मार्केट में ये बायोरेशनल प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हमेशा हमारा जो है हम सही उत्पाद हमें मिलता नहीं है, और हमेशा हमारी जो कह सकते हैं कि एक तरह से सही उत्पादन ना मिलने पे हम फिर से एक बार वही केमिकल वाली दवा बायो के नाम पे लेके आते हैं। तो दोस्तों, सुमितोमो केमिकल इस श्रृंखला में आपके साथ है। हम आपको बताएंगे कि कैसे सही बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आपको चुनना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये सही जेन्युइन बायोरेशनल या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। क्योंकि दोस्तों, जब हम बायोलॉजिकल्स की बात करते हैं, बायोरेशनल्स की बात करते हैं, तो कुछ संस्था इसके लिए कार्यरत है जो इन उत्पादनों को रजिस्ट्रेशन देती है कि ये उत्पादन जो है वो बायोलॉजिकल है। तो सुमितोमो केमिकल के जितने भी उत्पादन है वो पूरी तरह इन संस्थाओं से रजिस्टर्ड है जो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन देते हैं। तो अगर मैं बायोरेशनल की बात करूं तो दोस्तों, सुमितोमो केमिकल जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बायोरेशनल की बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की उत्पाद कंपनी है। अब हम कैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बने, इसका कारण है हमारी एक सब्सिडियरी कंपनी, उसका नाम है वैलेंट बायोसाइंस, ये अमेरिका में स्थित है। और दुनिया के जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के रिसर्च के लिए जितने भी जाने माने बड़े साइंटिस्ट है, वो सारे साइंटिस्ट इस कंपनी में, अमेरिका स्थित इस कंपनी में काम करते हैं। और इस कंपनी का जो रिसर्च है वो ना कि सिर्फ अमेरिका में, अमेरिका के साथ साथ पूरे दुनिया में 47 से भी ज्यादा कंट्रीज में होता है, जिनका काम होता है अनेक अनेक उत्पादन पर रिसर्च करना, चाहे वो जमीन आपके मृदा डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे वो आपके कीट संरक्षण के लिए हो, चाहे आपके पौधों की बढ़वार के लिए, अच्छी उपज के लिए और अच्छी उपज के साथ गुणवत्ता के लिए हो। तो मुझे आपसे बताने में बिल्कुल हर्ष हो रहा है कि हम सुमितोमो केमिकल अभी भारत में 4 ऐसे बायोरेशनल उत्पादन दे रहे हैं जो बिल्कुल कंप्लीटली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, जिसका आपके नॉर्मल खेती के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो कैसे, कौन से उत्पादन है, उसमें सबसे पहला उत्पादन है डाइपेल। दोस्तों, हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा में कपास की खेती होती है और हमारे सारे किसान भाई बीटी कपास लगाते हैं। तो ये बीटी कपास क्या था दोस्तों, कुछ हमारे पुराने किसान होंगे, ज्यादा उम्र जिनकी होंगी उनको याद होगा कि कैसे कपास में इल्लियों ने तबाही मचाई थी। और बीटी की जब ये टेक्नोलॉजी यहाँ भारत में आई, बीटी कॉटन आया, तो कैसे हमें उन चीजों से राहत मिली और कैसे हमारा मुनाफा भी बढ़ा, उपज और उत्पादन भी बढ़ा। तो दोस्तों, ये जो हम बीटी बोलते हैं, बीटी कपास, बीटी बैगन, बीटी मेज, मक्का, तो ये जो बीटी यानी बैसिलस थेरेंजेनेसिस,
जो टेक्नोलॉजी भारत में सिर्फ और सिर्फ सुमिटोमो केमिकल के पास है लिक्विड फॉर्मुलेशन में, जिसका नाम है डाइपेल। ये पूरी तरह OMRI सर्टिफाइड है और ये तकनीक सिर्फ अभी भारत में सिर्फ सुमिटोमो केमिकल के पास ही है। दूसरा उत्पादन है दोस्तों नेचर डिप, जो है माइकोराइजा बेस्ड प्रोडक्ट। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला ये माइकोराइजा है, क्योंकि इसकी भी खासियत कुछ ऐसी है कि इसमें एक पर्टिकुलर ऐसे माइकोराइजा का कॉम्बिनेशन कंपनी ने दिया है जो भारत में किसी भी कंपनी के पास नहीं है, और इसको हम अमेरिका में स्थित एक कंपनी माइकोराइजल एप्लीकेशन, इस कंपनी से हम आयात करते हैं। इस कंपनी का नाम बताने का दोस्तों मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि माइकोराइजा पे जो सबसे बड़ा रिसर्च हुआ है, उसके जो जनक है डॉक्टर माइक, इन्हीं की ये कंपनी है, और वहां से ही ये प्रोडक्ट हम यहाँ भारत में आपको सुमिटोमो द्वारा उपलब्ध कराते हैं। उसी के साथ साथ हमारा उत्पादन है प्रोजिप और प्रोजिप इजी, जो फिर से एक बार मैं कहूंगा प्रोजिप इजी भी ये फॉर्मुलेशन जिब्रेलिक एसिड का फिर से एक बार सिर्फ और सिर्फ सुमिटोमो केमिकल के पास ही है, और पूरा कंप्लीटली ऑर्गेनिक ऐसा ये उत्पाद है। तो अभी हम धीरे धीरे जो है सारे उत्पादनों के बारे में डिटेल में जानेंगे, और साथ ही जानते हैं कि कैसे हम अपने सब्जियों के फसल में उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों नेचर डिप की अगर मैं बात करूं तो इसमें जैसे मैंने बोला कि चार तरह के एंडो माइकोराइजा उपलब्ध है। ध्यान रहे, अगर आप माइकोराइजा बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो सतर्क रहे, आपकी सब्जियों के फसल में सिर्फ और सिर्फ एंडो माइकोराइजा काम करता है। एक्टो माइकोराइजा जो अलग माइकोराइजा आता है वो आपके सब्जियों के फसल में काम नहीं करता है, और वहां पे आपको ध्यान देना है कि आपको सही माइकोराइजा का चयन करना होता है। तो सही माइकोराइजा जो आपके सब्जियों की फसल में काम करेगा वो नेचर डिप है। उसको मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोडक्ट है वो OMRI सर्टिफाइड है, मतलब कंप्लीटली ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नेचर डिप में है, और साथ ही साथ माइकोराइजा का इस तकनीक का जो परसेंटेज है, अभी तक मार्केट में जितने भी उत्पादन इस कैटेगरी में है उसमें सबसे ज्यादा आपको माइकोराइजा का परसेंटेज इस नेचर डिप में मिलेगा, और उसी का ये कारण है कि भारत में ये सबसे पसंदीदा हमारे सब्जियों के किसानों का ब्रांड है, जिसको हम कहते हैं नेचर डिप। दोस्तों नेचर डिप है क्या? बड़ा सिंपल है, नेचर डिप एक फफूंद है जिसका उपयोग जब हम जमीन में करते हैं, पौधों के जड़ में करते हैं, तो ये फफूंद आपके जड़ पे डेवलप होती है। अब किसी भी जीव को बढ़ना है तो उसको भोजन चाहिए। इसका कुछ जो भोजन है वो जड़ से आता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो भोजन आता है उसके बलबूते पे ये जो आप माइकोराइजा है नेचर डिप, वो अपनी पूरा जो जाला कहूंगा मैं, वो पूरा जाला डेवलप करता है। अब जाला तो डेवलप हो गया तो ये काम क्या करेगा? दोस्तों आपके फसल में जो जड़ है उनका काम होता है जमीन से न्यूट्रिएंट का अपटेक करना और पानी का अपटेक करना, क्योंकि ये दो वो बेसिक चीजें होती है जो आपके पौधों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और उसमें सिर्फ एक ही मैकेनिज्म काम करता है, वो है आपका रूट जोन। तो वो रूट जोन जो है वो रूट जोन आपका जो माइकोराइजा है वो बढ़ाता है। वो कैसे बढ़ाता है? आप देखिए, चाहे कोई भी फसल ले लो, टमाटर ले लो, बैगन ले लो, कुकुम्बर फैमिली में कोई भी फसल ले लो, हर एक फसल को एक लिमिटेड रूट का जोन मिलता है जिसके आगे वो बढ़ नहीं सकता। अब कई बार ऐसा होता है कि जब वो रूट लिमिटेड एरिया में बढ़ते हैं, उसके बाहर आपका जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट और पानी पड़ा है, जो भी नेचुरली पड़ा है, जो आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फॉर्म में जो खाद देते हो, तो कई बार जड़ वहां तक पहुंच ही नहीं पाती जहां आपका न्यूट्रिएंट वहां पे सॉइल में उपलब्ध है। और इसी के कारण दो नुकसान होते हैं, एक तो आपने जो न्यूट्रिएंट दिया है उसका प्रॉपर अपटेक पौधे द्वारा हो नहीं पाता, और ऐसे अगर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर अपटेक प्रॉपरली नहीं हुए तो वो जमीन में वैसे ही फिक्स हो जाते हैं और वहां पे सॉल्ट जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं। उसका नुकसान आपको बाद में दिखता है, आपके जो वेजिटेबल्स के बेड है वो आपको बहुत हार्ड मिलते हैं, सॉइल जो है वो आपकी बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती है, और दोस्तों जब आपकी सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है
तो वाटर और एयर इसका जो बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि रूट जोन डेवलप होने के लिए ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा अगर नहीं हुआ तो वहां पे आपके रूट डेवलप नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपको नेचर डीप माइकोराइजा का इस्तेमाल करना है। अगर ये दो फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे हो, दोनों के मुख्य जो जड़ है वो सेम है, लेकिन जो आप पीले कलर में ये जो धागे धागे देख रहे हो, ये है आपके नेचर डीप का बड़ा बना हुआ टोटल रूट का जोन, जो आपके खेत में जमीन से जो भी तत्व है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, जितना भी पानी है, वो सारा कुछ आपके पौधे तक पहुंचाएगा। और जब आपकी ये कक्षा बढ़ जाएगी तो इन सब एरिया में सारा जो न्यूट्रिएंट है बड़ा इजीली आप उस पौधे तक पहुंचा सकते हो। और जब ऐसी सिचुएशन होती है कि न्यूट्रिएंट और पानी का जो अपटेक है जो प्रॉपर अगर होता है, तो उसका आपको कई फायदे आपके फसल में दिखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, सब्जियों में जो व्हाइट रूट आप देखते हो, व्हाइट रूट जो है वो प्रॉपरली आपका न्यूट्रिएंट अपटेक करने के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताऊं दोस्तों, व्हाइट रूट जो अपटेक करता है, ये पर्टिकुलरली एक सिंगल पॉइंट से ही न्यूट्रिएंट या पानी अपटेक कर सकता है, पूरे एरिया से वो अपटेक नहीं करता है। उसका जो टिप होता है, सिर्फ वहां से वो न्यूट्रिएंट या पानी अपटेक करता है। लेकिन जब आप नेचर डिप का इस्तेमाल करते हो, तो ये देखो जड़ पे कैसा धागे 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 डेवलप हुए हैं। ये जो धागे हैं, ये जो जाला है, ये माइकोराइजा नेचर डिप का जाला है। और इसकी खासियत ये है कि ये अपने पूरे बॉडी से न्यूट्रिएंट अपटेक कर सकता है। मतलब नॉर्मली अगर आपके पौधों में विदाउट नेचर डिप अगर 50 अपटेक पॉइंट्स है, तो नेचर डिप अगर आप डालते हो तो 50 गुना ज्यादा अपटेक पॉइंट वहां पे डेवलप होंगे। और मैं बार बार आपको अपटेक पॉइंट्स का रिपीट कर रहा हूं, उसका कारण ये है, आपके रूट जोन में जितने अपटेक पॉइंट्स होंगे, उतना आपका न्यूट्रिशन जो है वो पौधों को अच्छा मिलेगा। न्यूट्रिएंट अपटेक अगर प्रॉपरली हुआ तो ग्रोथ आपकी अच्छी होगी, ब्रांचेस आपको अच्छे मिलेंगे, फ्लावरिंग टाइम पे होगी, फ्लावर टू फ्रूट जो कन्वर्जन है, फ्रूट सेटिंग जिसको बोलते हैं, वो भी आपका प्रॉपरली होगा। साथ ही साथ एक समस्या हमें नॉर्थ मार्केट में हमेशा दिखती है, कई बार बारिश रुक जाती है, जैसे अभी बारिश रुकी हुई है। तो इस दरमियान क्या होता है दोस्तों, जो आपका रूट जोन है वो अपना मैकेनिज्म स्लो कर देता है, यानी उसको पहले खुद को बचाना होता है, बाद में वो एनर्जी फ्लो करता है। तो इस समय हमेशा फिर क्या होता है, आपके जो ऊपर के पत्ते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, उसमें आपको दिखता है कि ग्रोथ पूरी रुक चुकी है, जो हम काफी फसलों में अभी फिलहाल देख रहे हैं। अगर आपने नेचर डिप का इस्तेमाल किया तो वहां पे रूट जोन आपका इतना बड़ा होगा, वो रूट जोन आपका पानी जो है वो होल्ड करके रखता है। और ऐसा अगर समय आता है जहां पे 8-10 दिन के दरमियान अगर पौधा अगर स्ट्रेस कंडीशन में चला गया, मतलब पानी की उपलब्धता ना हुई, फिर भी पौधे पे कोई भी बुरा असर वो होने नहीं देता, और वो वाटर फ्लो जो उसके अंदर होल्ड किया हुआ है वो धीरे धीरे पौधे तक देता रहता है। उसके अपोजिट भी एक कंडीशन होती है कि कई बार बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। अब जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो हमेशा हमें रूट जोन जो है वो खराब हो जाता है, बहुत सारी फफूंद वहां पे लगती है, रूट जोन का जो प्रॉपर अपटेक मैकेनिज्म है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आज जब वाटर लॉजिंग कंडीशन होगी तो भी आपको माइकोराइजा जो है आपके पौधों को स्ट्रेंथ देगा, और उतना ही वाटर फ्लो वहां पौधे तक देगा जितना सच में पौधे को जरूरी है, और ज्यादा एक्सेसिव जो वाटर फ्लो है उसको रोक के पौधे को वो अच्छे से रखेगा। दोस्तों, जब हम नेचर डिप का इस्तेमाल कंटिन्यूअसली जब 2 साल 3 साल 4 साल करेंगे, हमारे बहुत सारे इलाके का अभी एक्सपीरियंस है कि जमीन अच्छी करने में नेचर डिप का बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ हमारे पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स में अभी अगर कोई सबसे बर्निंग इशू है तो वो है जमीन की जो क्वालिटी है वो, क्योंकि वो जो भुरभुरापन है जमीन में, जो कहते हैं हम पोरोसिटी कहते हैं, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है, सॉइल बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो चुका है, सॉल्ट का जो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करने की वजह से एक्युमुलेशन ज्यादा है, इसके वजह से हमारी उपज पे काफी बुरा असर दिख रहा है। दोस्तों, नेचर डिप जब आप इस्तेमाल करोगे तो ये सारी चीजों से आप बिल्कुल मतलब फिर से एक बार जमीन को अपनी
जो कुछ साल पहले हमें जमीन पाई जाती थी बिल्कुल पोरस हो, वाटर और एयर का पूरा बैलेंस वहां पे बना हो और नॉर्मली जो अच्छी उपज देने वाली खेती फिर से एक बार हम उसको लेके आ सकते हैं। तो नेचर डीप का इस्तेमाल कैसे करना है, आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसका ड्रिप ड्रेन, अगर ड्रिप उपलब्ध है तो ड्रिप से ड्रेंचिंग कर सकते हो, अगर ये दोनों पर्याय नहीं है तो आप हैंड ड्रेन जैसे आपके पंप का नोजल खोल के उस माध्यम से आप उसका उपयोग कर सकते हो। सब्जियों की जितनी भी फसल है, चाहे टमाटर हो, मिर्च हो, शिमला मिर्च हो जिसको हम कैप्सिकम बोलते हैं, या कुकुरबिटेसी फैमिली के सारी फसलें हो, उसमें आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ जो है नेचर डीप का इस्तेमाल करना है। और समय याद रहे दोस्तों, आपको ट्रांसप्लांटिंग के बाद 10 दिन से 20 दिन के अंदर अंदर इस नेचर डीप का उपयोग करना है। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई फल की खेती है, जैसे कुछ इलाके में हमारे पास अनार की खेती भी होती है, हिमाचल के कुछ किसान हमारे पपाया की खेती भी करते हैं, कुछ किसान हो सकता है केले की भी खेती करते हो, तो इन सब फलों की खेती में नेचर डीप आपको 400 ग्राम प्रति एकड़ जैसे ही आप ट्रांसप्लांटिंग करते हो 20 दिन के अंदर अंदर इसका उपयोग करना है। और हमारी पंजाब की सबसे बड़ी फसल जो अक्टूबर के बाद आती है जिसको पोटैटो बोलते हैं, तो पोटैटो में भी आप नेचर डीप का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें आपका जो डोज है वो 200 ग्राम प्रति एकड़ रहेगा। दोस्तों ये है हमारा फोटोग्राफ पोटैटो में नेचर डीप का रिजल्ट। पौधा उठाते वक्त बेशक 3 से 4 जो आलू है वो नीचे गिर गए थे, लेकिन आप उसमें देख सकते हो नेचर डीप इस्तेमाल करने के बाद रूट जोन का जो है पूरा नेटवर्क बारकाई से देखो दोस्तों बिल्कुल डेवलप हो चुका है। और ये तो फसल ऐसी है जहां इसके रूट है वही उसका फाइनल प्रोड्यूस है, मतलब आलू है रूट के पास, यानी जितना न्यूट्रिएंट प्रॉपर जाएगा उतना आलू की साइज, आलू का वजन, आलू की चमक। और एक प्रॉब्लम होती है कि कोई आलू 2-3 आलू जो छोटे रह जाते हैं, नेचर डीप का सही समय पे अगर अच्छे से इस्तेमाल आपने आलू के फसल में कर लिया, 200 ग्राम प्रति एकड़ आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। सीड ट्रीटमेंट के लिए 4 से 5 लीटर पानी में आप जितना भी 1 एकड़ के लिए आलू है उस पर छिड़काव करके उसको सुखा के फिर बुआई कर सकते हो। अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो बुआई के बाद 10-12 दिन पे आप इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हो। अगर इस वे पे अगर आपने किया तो 100% आलू की आपकी जो उपज है, मैं सिर्फ उपज की बात नहीं करता हूँ, उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है जब हम मुनाफे की बात करते हैं। तो नेचर डीप का जब आप इस्तेमाल करते हो तो ये दोनों चीजें आपको आलू के फसल में दिखेंगे। मिर्च की फसल हमारे काफी इलाके में होती है दोस्तों, आप खुद आंखों से देख लो यहाँ पे जहां नेचर डीप का इस्तेमाल किया हुआ है, ना सिर्फ कोकोपीट वाला डेमो सैंपल देखो, आप फील्ड वाला भी देखो, बहुत ही अच्छे से जो है रूट जोन आपको जहां इस्तेमाल किया है वहां दिखेगा, जहां इस्तेमाल नहीं किया है वहां पे आप देख सकते हो रूट जोन कम है। और हमारे जितने भी किसान यहाँ पे देख रहे हैं वो यहाँ पे समझ चुके होंगे कि रूट ज्यादा होना इसका मतलब क्या, रूट ज्यादा होना मतलब प्रॉपर अपटेक होगा और उत्पादन बहुत ज्यादा हमारा वहां पे बढ़ने की उम्मीद हो सकती है। तो मिर्च के फसल में 200 ग्राम प्रति एकड़ आपको डोज है और इसका जो उपयोग करने का समय है वो ट्रांसप्लांटिंग के 20 दिन के भीतर भीतर आपको इसको उपयोग में लाना है। टमाटर की भी खेती हमारे यहाँ होती है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस फोटोग्राफ को, जहां नेचर डीप डाला हुआ है मेरे राइट साइड में, इस पौधों की ग्रीनरी देखो, इस पौधों की ब्रांचेस देखो, इस पौधे की आप ओवरऑल ग्रोथ देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको दिखेगा कि फूल जो है वो यहाँ पे आना भी उसको चालू हुआ है। तो नेचर डीप जब हम, ये क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे आपको न्यूट्रिशन पौधे को सही समय पे मिला। न्यूट्रिशन कैसे मिला, क्योंकि वहां पे रूट जोन जो है वो अच्छा बना, नेचर डीप की वजह से जो रूट की कक्षा है वो अच्छी डेवलप हुई और उसी का ये रिजल्ट है, वहां पे आपको ब्रांचेस, ग्रोथ, ग्रीनरी, फ्लावरिंग, ये सारी चीजें वहां पे दिखने को मिलेगी। और इसमें भी आपका जो डोज है वो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ट्रांसप्लांटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो उपयोग करना है। मक्के की विंटर मेज हमारे यहाँ होता है, मक्के की खेती होती है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा है, 100 ग्राम जो नेचर डीप है
एक एकड़ में आप जितना भी बीज ले रहे हो मक्के का, उसमें आप उसकी सीड कोटिंग कर दो, आप यकीन नहीं कर पाओगे। इस फोटो में देख सकते हो जहां पे नेचर डिप डला हुआ है, इतनी ज्यादा जड़ डेवलप हो जाती है। हमारे पास कुछ किसान हैं जो खाद का भी इस्तेमाल करते थे, उन्होंने कहा कि हमने 40% जो है वो खाद का इस्तेमाल नेचर डिप के इस्तेमाल के बाद जो है वो बिल्कुल कम किया, क्योंकि रूट जोन जो है वो इतना डेवलप हो जाता है कि और कुछ डालने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। गेहूं की फसल हमारे यहाँ होती है, गेहूं में जितना भी एक एकड़ के लिए आप गेहूं बोते हो उसमें 200 ग्राम की अगर सीड कोटिंग करते हो तो कुछ इस तरह आपको रूट जोन जो है जहां पे नेचर डिप इस्तेमाल किया है ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। और रूट जोन अगर हमारे अच्छे मिले तो बेशक हमारा उपज जो है उत्पादन जो है वो बढ़ेगा। तो ये तो दोस्तों था नेचर डिप के बारे में। अभी जो दूसरा उत्पादन है उसके बारे में बोलने में जा रहा हूं, जिसका नाम है डाइपल। दोस्तों डाइपल में फिर से आपको एक बार बोल दूं, ये है भारत का एकमात्र बीटी प्रोडक्ट जो सिर्फ सुमितोमो के पास है और वो बहुत ही अच्छे लिक्विड फॉर्मुलेशन में यहाँ पे उपलब्ध है। अगर आप सब्जियों के किसान हो तो हमारे यहाँ अगर सब्जियों की खेती में कहूँ, पंजाब हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र है, कर्नाटक टमाटर में बहुत आगे है, तो हमारे ऐसे किसान है जिन्होंने इस उत्पादन का इस्तेमाल किया, वो सब्जी जिस दिन ट्रांसप्लांट कर लेते हैं उसी दिन डाइपेल को लाके घर पे रख लेते हैं, क्योंकि हर एक स्प्रे में, हर एक इल्ली के स्प्रे में उनको डाइपेल इस्तेमाल करना होता है। तो ऐसा क्या कारण है कि किसानों को डाइपेल इतना पसंद है? दोस्तों ये कंप्लीटली बायोपेस्टिसाइड है, और जब हम बायोपेस्टिसाइड की बात करते हैं तो वो आपके नॉन टारगेट पेस्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। मतलब फूल अवस्था पे अगर इल्ली कंट्रोल करने के लिए आपने डाइपेल इस्तेमाल कर भी लिया तो आपके मधुमक्खी के लिए वो बिल्कुल ही सुरक्षित है। दूसरा दोस्तों आप याद करो, पिछले 5-10 साल पुरानी वाली जो दवा है जो आप आज इस्तेमाल कर रहे हो सुंडी को मारने के लिए, इल्ली के मारने के लिए, क्या वो दवाई सेम डोज पे काम कर रही है? क्या वो 5-10 साल पहले जितना काम करती थी, तुरंत वो सुंडी मर जाती थी, क्या वो अभी उतनी असरदार है? नहीं है। ये आप खुद को पूछिए, ये हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं, ये हमारे गवर्नमेंट जो रिसर्चर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में वो भी ये बात करते हैं, क्योंकि जब हम एक ही दवा का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे भगवान ने जीवन सबको दिया है तो जीना सिखा भी दिया है। तो जब हम एक ही दवाई का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर सुंडी है वो अपने शरीर में बदलाव करती है, जिसको बोलते हैं दवाई के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप करना। तो जब वही केमिकल करेंगे आपका रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप होता जाएगा और फिर वो दवाई का काम करना जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। उसी के साथ साथ हमारे हानिकारक दवा जब हम सुंडी कंट्रोल करने के लिए करते हैं उसका बहुत ही बुरा असर आपके उपज पे होता है, क्योंकि सब्जियों की खेती में तो ये होता है कि हर 10 दिन में आपको तुड़ाई करना है, तो कई बार हमने देखा कि वहां पे स्कॉर्चिंग आ जाती है, फल पे दाग लग जाते हैं, तो इस तरह के नुकसान भी दिखते हैं। और खास करके जो किसान हमारे सब्जी तुरंत 2 दिन पहले स्प्रे करके तीसरे दिन खुद खा जाते हैं, सोचिए जरा कितने हानिकारक आपके पेट में जाते हो। तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि डाइपेल जैसा उत्पाद ये सब चीजों से आपको बचा सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी हानिकारक जो है तत्व पाया नहीं जाता, ये कंप्लीटली बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है, और इसमें अगर देखोगे तो कोई भी रेसिड्यू जो है आपकी फसल में नहीं रहता। तो डाइपेल काम कैसे करता है? दोस्तों डाइपेल में जो है हमने बीटी के बैक्टीरिया दिए हैं, ये एक बैक्टीरिया बेस्ड प्रोडक्ट है। जब इसका छिड़काव हम मिर्च के फसल में, टमाटर के फसल में, बैंगन में, ककड़ी में जब इसका छिड़काव करते हैं तो इसके अंदर के जो बैक्टीरिया है वो आपके पत्तों पे फैल जाते हैं। जब भी इल्ली वो बैक्टीरिया खा जाती है तो 1 से 1.5 दिन के अंदर अंदर वो बैक्टीरिया उस इल्ली के पेट में अंदर जाके फटना चालू होते हैं, और 2-3 दिन के अंदर जो है, जो नीचे आप फोटोग्राफ में देख सकते हो, इस तरह से आपके इल्ली का पेट फट जाता है और आपकी इल्ली मर जाती है। तो इसका जो उपयोग है, आपको जो छिड़काव का तरीका है
वो ध्यान देना है कि आपका पौधा अच्छे से सारी तरह से कवर हो जाए, ताकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया के स्पोर है वो आपके फसल में सारी जगह फैल जाए, और जैसे ही आपकी इल्ली उसको खाएगी उसके 30 मिनट बाद जो है आपका नुकसान वहां पे बंद हो जाएगा, क्योंकि वो जो फीडिंग होती है, एक बार ये बैक्टीरिया उसके पेट में जाने के बाद 30 मिनट के बाद वो फीडिंग बंद हो जाती है, लेकिन एक दिन तक इल्ली आपको वहां पे जिंदा दिख सकती है। आपको घबराना नहीं है, वो वहां पे सुप्त अवस्था में चली जाती है, और वो होता है ना एक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है उसका सिस्टम अंदर से, और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जब वो स्पोर्स पूरे उसके पेट में फैल जाते हैं तो वहां पे ब्लास्टिंग चालू होती है, और इल्ली का जो पेट है, सुंडी का पेट जो है वो फट जाता है और आपकी इल्ली जो है वो खत्म होती है। तो डाइपेल का इस्तेमाल हमारे सब्जियों के फसल में कब करना चाहिए, मैं 3 एप्लीकेशन आपको बताऊंगा। हमेशा याद रखना, इल्ली की सुंडी की शुरुआती अवस्था में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो डाइपेल सिंगली, सिर्फ डाइपेल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। प्लेन डाइपेल का छिड़काव करिए, इल्ली की शुरुआती अवस्था है चाहे कोई भी इल्ली हो वहां पे वो खत्म हो जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन है इल्लियों की जो जिसको हम बोलते हैं स्टेजेस, अगर वो स्टेज आगे निकल चुकी है और बहुत ज्यादा इल्लियों का प्रादुर्भाव आपके खेत में है, तो डाइपेल का उपयोग आप टैंक मिक्स में भी वहां पे कर सकते हो। टैंक मिक्स कॉम्बिनेशन में भी डाइपेल आप छिड़काव कर सकते हो, उस तरह से भी आप उसको कंट्रोल में, इल्लियों को कंट्रोल में ला सकते हो। और लेट सीजन, जैसे आपको 2 दिन में ही फसल की तुड़ाई स्टार्ट करनी है, चाहे वो खुद को खाने के लिए चाहे वो बाजार में बेचने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप 1 दिन अंदर भी डाइपेल का इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल ये सुरक्षित है, और 50 से भी ज्यादा सुंडियों पे दोस्तों ये काम करता है। ऐसा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मार्केट में मिलना बहुत ही मुश्किल है जो 50 से ज्यादा सुंडियों पे काम करता है, और इसकी जो बीटी की स्पोर्स की क्वालिटी है दोस्तों, अच्छा काम करने के लिए ये क्वालिटी अच्छी होना बहुत जरूरी है, और ये जो प्रोडक्ट है हम अमेरिका से आयात करते हैं, ये यहाँ बनता नहीं है, तो हम वहां से आयात करने का यही कारण है, जहां पे ये बनता है वहां पूरी हमने ऐसी एक फैक्ट्री डेवलप की है कि हर एक जो स्पोर है बैक्टीरिया का वो अच्छे क्वालिटी का हो, ताकि जब वो पत्तों पे गिरे और इल्ली उसको जब खाए तो 100% वहां पे वो काम करना चालू करे। उसी के साथ साथ दोस्तों डाइपेल आप रोटेशन में भी स्प्रे करते हो, कर सकते हो, एक स्प्रे दूसरी दवाई का किया, दूसरा स्प्रे डाइपेल का, तीसरा फिर और कोई दवाई का आपने किया, फिर चौथा डाइपेल का, इस तरह भी आप डाइपेल का इस्तेमाल आपके फसल में कर सकते हो। अगर ऐसा आपको नहीं कर सकते हैं तो आप टैंक मिक्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी दूसरी कोई जो दवा है उसके साथ कॉम्बिनेशन में आप डाइपेल को जो है ले सकते हो। अब हमारी हरियाणा पंजाब की एक फसल है गोभी और पत्ता गोभी, कैबेज कॉलीफ्लावर, जिसके सबसे बड़ी समस्या है ये डीबीएम, डायमंड ब्लैक मॉथ जिसको बोलते हैं, और उसकी समस्या ज्यादा होने का कारण भी बड़ा सिंपल है, इसके 100 से भी ज्यादा अंडे एक समय होते हैं और एक साल में 12 से 14 जनरेशन इसकी होती है। और आपको पता है अगर आप गोभी पत्ता गोभी की खेती कर रहे हो तो इस इल्ली को अभी कोई भी दवा काम नहीं कर रही है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर आपने ये कॉम्बिनेशन कर लिया तो आपको एकदम 100% इस डीबीएम को आप कंट्रोल में ला सकते हो, और बेस्ट ऑफ बेस्ट वहां पे आप रिजल्ट ले सकते हो। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, 300 मिली जो है डाइपेल का प्रयोग करिए और उसमें 300 मिली सुमीपिलियो कॉम्बिनेशन में लीजिए। पहला स्प्रे आज करिए, 10वें दिन आपको ये स्प्रे जो है डाइपेल 300 मिली, सुमीपिलियो 300 मिली, फिर से एक बार रिपीट करना है। 2 स्प्रे अगर शुरुआती इल्ली के अवस्था में आपके हो गए तो बाद में बहुत इजीली आप इस इल्ली पे कंट्रोल पा सकते हो, और फिर नॉर्मल दवाई से भी आप बाकी जो बाद में पॉपुलेशन बढ़ेगी उनको कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों ये तो था कैबेज कॉलीफ्लावर के लिए। टोमेटो में आजकल हमारे यहाँ प्यूटा एब्सोल्यूटा, नाम आपने जाना नहीं होगा, सुना नहीं होगा, लेकिन जो फोटोग्राफ है उससे आप पहचान चुके होंगे कि ये फल छेदक जो इल्ली है इसका प्रादुर्भाव भी धीरे धीरे वहां पे हमें बढ़ता दिखाई दे रहा है, और इसके कंट्रोल के लिए आपको 2 छिड़काव वहां पे करने हैं,
टमाटर की फसल में डाइपेल आपको 300 मिली लेना है और म्योथ्रिन जो है वो 250 मिली प्रति एकड़ में लेना है, और लगभग 8 से 9 दिन के बाद दूसरा छिड़काव आपको फिर से एक बार डाइपेल 300 मिली और सुमिता या सनवैक्स, ऐसे दो उत्पादन हमारे आते हैं, उसका आप उपयोग लगभग 150 ग्राम प्रति एकड़ इस हिसाब से कर सकते हो। हमारे चिली की फसल में देखो तो दो तरह की ये इलिया टोबैको कटवम और हेलिका वर्कपा जिसका प्रादुर्भाव हमेशा हमें दिखता है, कोई चिंता करने की आपको वजह नहीं है। आप ये कॉम्बिनेशन अगर इस्तेमाल करते हो डाइपेल 300 मिली और म्योथ्रिन लगभग लगभग आपका 200 मिली तक भी अगर आप करते हो तो बड़े अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, और अगर रेजिस्टेंस इन पेस्ट में डेवलप हो भी चुका है तो आपका डाइपेल उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और आपके इल्ली को जो है वो मार गिराएगा। बैगन की अगर मैं बात करूं तो फ्रूट एंड शूट बोरर, तना और फल छेदक, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। मार्केट में उपलब्ध जितनी भी दवाई है सबने घुटने टेक दिए है, कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन सुमिटोमो केमिकल के पास ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बिल्कुल इस शूट एंड फ्रूट बोरर को कंट्रोल कर सकता है। वहां पे आपको पहला स्प्रे लेना है डाइपेल प्लस सुमिप्रेम्ट, डाइपेल आपको 300 ml लेना है और सुमिप्रेम्ट आप 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। पहला स्प्रे होने के बाद सातवें दिन आप दोबारा फिर से एक बार वहां पे ये जो स्प्रे है उसको रिपीट करिए। उसमें दूसरे स्प्रे में आप सुमिप्रेम्ट ले सकते हो या सुमिताज जो सनवैक्स है उसका भी कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो, लेकिन सातवें दिन जो है आपको फिर से एक बार छिड़काव लेना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे दो स्प्रे हो जाते हैं तो वहां पे आप बड़ा इजीली बैगन के फल और तना छेदक जो है उसको कंट्रोल में लेके आ सकते हो। अब ये सारी सब्जियां छोड़ के भी हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा में बहुत अलग अलग सब्जियां होती है और बहुत अलग अलग ऐसी फसल है जहाँ पे इन सुंडियों का इल्लियों का प्रकोप होता है। अभी पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं कपास में भी सुंडी आती है और बाकी जो फसलें हैं हमारे, कुछ एरिया में चने की फसल होती है, कुछ एरिया में सोयाबीन की भी फसल होती होंगी, तो जितनी भी फसल चाहे कोई सी भी हो आपको अगर सुंडी को इल्ली को कंट्रोल में लाना है तो डाइपेल प्लस सुमिपिलियो अगर कॉम्बिनेशन में आप लेते हो स्पोडोप्टेरियन पेस्ट के लिए तो बेस्ट ऑफ बेस्ट वहां पे आपको कंट्रोल मिलेगा। सब्जियों में भी ये कॉम्बिनेशन आपका चल सकता है, और अगर स्पोडोप्टेरियन छोड़ के हेलियोथिस कैटेगरी के आपके पास इलिया है तो डाइपेल प्लस जो मैंने दो मॉलिक्यूल आपको बोले, चाहे आप म्योथ्रिन ले लो चाहे आप सुमिप्रेम्ट ले लो, इनका अगर प्रयोग करते हो तो 100% वहां पे हम बड़े इजीली इन सुंडियों को कंट्रोल में ला सकते हैं और उनका रेजिस्टेंस जो है वो भी ब्रेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, अभी तक हमने दो चीजों पे बात की, पहले हमारी थी हमारे सॉइल को डेवलप करना है, अच्छा बनाना है, दूसरा हमने बात की हमारे जो सुंडी है उसको नेचुरल प्रोडक्ट के साथ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के साथ कैसे कंट्रोल करना है, और अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कैसे हमें उपज बढ़ाना है बायोरेशनल प्रोडक्ट के साथ और उपज के साथ साथ जो है गुणवत्ता बढ़ाना है। तो उसके लिए हमारा जो उत्पादन है उसका नाम है प्रोजिप इजी। तो दोस्तों ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक जिब्रेलिक एसिड है और मैं आपको बता दूं ये वर्ल्ड का बेस्ट और इंडिया का पहला ऐसा फॉर्मुलेशन है जो सुमिटोमो ने दिया है। ग्रेन्यूल फॉर्मुलेशन में आपका ये प्रोडक्ट आता है जो भारत में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। ये पेटेंटेड मॉलिक्यूल जो है वो खास करके चाहे फल की खेती हो चाहे सब्जियों की खेती है इसके लिए सुमिटोमो कंपनी लेके आई है और बहुत अच्छे परिणाम हमारे लाखों किसान इसको उपयोग करके देख रहे हैं। अब इसकी मैं अगर बात करूं तो इस उत्पादन को पानी में घोलने के लिए कोई भी सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होती है, पानी में सीधा घुल जाता है और साथ ही साथ बड़ा इजीली प्रॉपरली प्लांट से अपटेक होके वो एब्सॉर्ब हो जाता है, यानी बहुत ही जल्दी इसके परिणाम दिखना चालू होता है। छिड़काव के दो दिन तीन दिन चार दिन के अंदर अंदर ही जो रिजल्ट्स है चाहे ग्रोथ में चाहे ग्रीनरी में वो सब कुछ आपको दिखना चालू होता है। और हम ये हमेशा कहते हैं कि प्रोजिप इजी जो है वो भारत का सबसे चीपेस्ट सबसे सस्ता प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, यानी आप इतने पीजीआर इस्तेमाल करते हो पता नहीं उसमें रिजल्ट आता भी है कि नहीं है, लेकिन प्रोजिप इजी एक ऐसा उत्पादन है जिसका रिजल्ट आपके आंखों के सामने है, दो तीन दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखता है
और सबसे सस्ता प्रति एकड़ इसका खर्चा है। जिस फॉर्मुलेशन की, यूनिक फॉर्मुलेशन की मैं बात कर रहा था, वो ये यूनिक फॉर्मुलेशन है जो भारत में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। तो इसका उपयोग हमें सब्जियों के फसल में कैसे करना है वो देखिए। अगर आप मिर्च की खेती, टमाटर की खेती, बैंगन की खेती करते हो तो वहां पे आपको सिर्फ 5 ग्राम प्रति एकड़ इसका छिड़काव में डोज है, 5 ग्राम प्रति एकड़ इसका आप उपयोग कर सकते हो। पहला जो छिड़काव है वो आपको 35 से 40 दिन के बाद करना है। अगर आपकी ग्रोथ प्रॉपरली वहां पे आती है तो पहला छिड़काव 35 से 40 दिन के बाद, यानी अप्रोक्सीमेटली फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग, जब कन्वर्जन होता है फ्रूट सेटिंग स्टेज पे, आप उसका पहला स्प्रे ले सकते हो। और पहला स्प्रे होने के बाद इन तीनों फसलों में हर एक 20 दिन के बाद इसी डोज पे 5 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसके हर 20 दिन के बाद आप जो है इसके स्प्रे ले सकते हो। इसका फायदा आपको फ्रूट की क्वालिटी में, फ्रूट की साइज में, फ्रूट की चमक में दिखेगा, साथ ही साथ यील्ड में जो है आपको काफी वहां पे फर्क दिखेगा। तीन फसल हमारे पास और है हरियाणा में, मूंगफली भी अभी काफी है, मक्के की भी खेती पंजाब में हमारे यहाँ है, और कॉटन तो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों में है। तो मैं अगर मक्के की बात करूं तो 12.5 ग्राम प्रति एकड़ आपको लेना है। इसको आप 18 से 25 दिन सोइंग के, बुआई के 18 से 25 दिन के दौरान इसका आप छिड़काव करिए। मूंगफली की फसल में लगभग 80 दिन पे, मतलब लास्ट की जब स्टेज होती है वो लास्ट की स्टेज में आपको 80 दिन पे एक छिड़काव करना है, और 20 दिन के बाद फिर से दोबारा दूसरा छिड़काव करना है। इसका उपयोग होता है जो दाने आपके मूंगफली के भरते नहीं है वो पूरे भरेंगे, आपके दाने की चमक, ऑयल का परसेंटेज, दाने की साइज, ये सब बढ़ने के लिए आपको मूंगफली में प्रोजिप इजी जो है वो बहुत फायदा करता है। और कपास के किसान तो इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। उसमें आपका, अगर आपकी ग्रोथ नहीं है, इस साल कपास में हमने देखा कि ग्रोथ थोड़ी सी कम है, तो 12.5 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन इस पे आप ले सकते हो। अगर आपके पहले दो छिड़काव मिस हो चुके हैं तो 60 दिन, 80 दिन, 100 दिन ऐसे उसका आप शेड्यूल लेके, कपास की टिंडों की साइज, टिंडों का वजन बढ़ाने में काम आएगा। साथ ही साथ अभी जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ग्रोथ की, ग्रोथ कपास में दिख नहीं रही है, तो ग्रोथ के लिए भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो कपास में ग्रोथ के लिए भी आपको इसका फायदा होगा। साथ ही साथ बैगन है, बैगन में 5 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हो। और कैबेज कॉलीफ्लावर में भी, जब आपका जिसको बोलते हैं अंदर का जो गड्ढा है उसकी साइज जब 20% होगी तो आप पहला छिड़काव 5 ग्राम के साथ कर सकते हो, और जब वो आधी साइज अचीव कर लेता है उस दरमियान आप फिर से एक बार 5 ग्राम 100 लीटर में मिक्स करके साइजिंग के लिए वहां पे आप प्रोजिप इजी का जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था प्रोजिप इजी के बारे में, जो कम्प्लीटली बायोरेशनल प्रोडक्ट है। और ये तीनों भी प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पे आपको बोले है वो तीनों भी हमारी बायोरेशनल कैटेगरी के प्रोडक्ट है, जो सब्जियों की खेती में, जो जो भी सब्जी के बारे में अभी मैंने बात की उन सब्जियों में अलग अलग चीजों के लिए काम आते हैं। और सही में अगर आप सब्जी के किसान हो तो ये तीनों उत्पादन जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बेहतरीन इसके जो है रिजल्ट वहां पे दिखते हैं, और बहुत अच्छी खेती इन बायोरेशनल प्रोडक्ट के साथ हम कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग अभी जो भी सवाल आपके आए हुए हैं उसको लेंगे, और हमारे काफी अलग अलग एरिया से यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स जो है इस कॉल में जुड़े हैं। बहुत मैं लकी कहूंगा हम सब लोगों के लिए कि इतने लोग इकट्ठा जुड़ नहीं पाते, हमारे यहाँ पंजाब के अनेक अनेक इलाकों से, हरियाणा के अलग अलग इलाकों से हमारे एक्सपर्ट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उनका भी जो एक्सपीरियंस है ये इन तीनों प्रोडक्ट के बारे में, वो भी मैं एक एक करके रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप यहाँ पे बयां कर सकते हो। साथ ही साथ उसी के साथ गरिमा जी जो है वो हमारे क्वेश्चंस जो जितने भी आए होंगे उसी को भी आगे बढ़ाएगी। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन आंसर, और हमारे जो ऑफिसर्स एक्सपर्ट्स है उनका भी हम जो है नॉलेज उनका भी लेते हैं उनकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। तो यहाँ पर सवाल आने शुरू हो गए थे काफी पहले से, और
जो भी हमारे व्यूअर्स हैं काफी एक्साइटेड हैं, काफी सवाल भी पूछे हैं उन्होंने, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आया है श्री सुशील जी से, उन्होंने कहा है कि टोमेटो वायरस कंट्रोल के लिए क्या बता सकते हैं। सुशील जी बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। टोमेटो लीफ कर्ल वायरस हो या फिर अन्य वायरस है, आपको ध्यान रखना है कि टमाटर में ये जो वायरसेस है ये नॉर्मली सकिंग पेस्ट के इन्फेस्टेशन से आते हैं, और सकिंग पेस्ट इन्फेस्टेशन खास करके एफिड जैसी माइट्स या व्हाइट फ्लाई, इनकी वजह से नॉर्मली ये स्प्रेड होते हैं। ध्यान रखिए टमाटर के खेती में जब आपको पहला पौधा वायरस इन्फेक्टेड दिखेगा, कोशिश करिए जितने भी शुरुआती पौधे हैं तुरंत आप खेत से उनको बाहर निकालिए और ऐसी जगह पे उनको डंप कीजिए वहां से वो एयर थ्रू या फिर कोई भी एनिमल थ्रू उनका प्रभाव जो है आपके खेत में ना आए। सेकेंड, जब आप ये पौधे उखाड़ देते हो उसके बाद आपको कुछ स्प्रे करना वहां पे जरूरी है, तो हमारे कुछ सेफ केमिकल्स सब्जियों की खेती के लिए है। माइट्स कंट्रोल करने के लिए आप बॉर्नियो का इस्तेमाल कर सकते हो, व्हाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए लैनो जैसा बहुत ही अच्छा उत्पादन हमारे हरियाणा पंजाब के सारे किसान जानते हैं उसका उपयोग कर सकते हो, और तेला और चेपा एफिड और जैसिड अगर है तो डेंटाटसु जैसा ग्रीन ट्रायंगल का प्रोडक्ट है, सुरक्षित एक उत्पादन है, उसका उपयोग आप कर सकते हो। इसकी वजह से आपके सकिंग पेस्ट जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे और अल्टीमेटली आप वायरस को भी वहां पे कंट्रोल कर सकते हो। धन्यवाद सागर जी। तो यहाँ पर जब टमाटर की बात एक्चुअली चली है तो मुझे लग रहा था कि विकास जी को यहाँ पर आमंत्रित करना अच्छा होगा। विकास जी आप कुछ बोलना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में एग्जैक्टली ये जो बायोरैशनल्स हैं या जो हमारे जैविक उत्पाद है उनको लेकर के किसानों के बीच क्या राय है। विकास अंतिल जी। विकास जी अगर आप सुन पा रहे हो तो जरा हमें बताइए कि कैसे हमारे टमाटर के किसान इन बायोरैशनल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू मैम। अभी जो मैं देख पा रहा था हमारे कुछ जैसे साजन कुमार जी हैं नारकंडा से ज्वाइन हुए थे तो उन्होंने मैसेज भी डाला था। देखिए जितने भी मेरे ग्रोवर्स भाई हैं चाहे वो सोलन एरिया से हैं, शिमला से हैं या जम्मू एंड कश्मीर से हैं, मैं एक चीज आपको बता दूं, अभी जो मैं प्रेजेंट टाइम पे जो इशू चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, वो चल रही है प्लांट स्ट्रेस की। देखिए अभी अब मैं ग्रोवर्स अच्छे ग्रोवर्स हैं उनके मेरे पास कॉल भी आते हैं, उन्होंने बोला जी अभी हमारा प्लांट जैसे बारिश जिस लेवल पे अभी होनी चाहिए थी इस समय वो नहीं हो पा रही है, तो प्लांट स्ट्रेस में है। तो जैसे सागर जी ने आपको बताया नेचर डीप के बारे में, तो जो नेचर डीप है वो जो ये समस्या अभी आपके सामने आके खड़ी हुई है, अगर आप नेचर डीप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो प्लांट का स्ट्रेस है ड्रॉट की वजह से इसको आप ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा, ये मैं बात कर रहा हूं आपका आपका टोमेटो है या एप्पल है। दूसरा, अगर मैं टोमेटो के कंसेंट में बात करूं तो टोमेटो में भी एक नॉर्मल सी जनरल प्रॉब्लम हो गई है, वो है विल्ट की, जो फ्यूजेरियम विल्ट है। देखिए जब हम फ्यूजेरियम विल्ट की बात करते हैं ठीक है आप तरह तरह के फंगिसाइड फंगुनाशक उसमें डालते हैं, लेकिन अगर आप नेचर डीप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, जब पौधा स्वस्थ होता है तो उसमें जो रूट्स हैं रूट जोन है वो बढ़ जाता है। यानी कि नेचर डीप आपका डायरेक्टली कोई फफूंद नाशक नहीं है, बट फिर भी रूट जोन ज्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं जो विल्ट की प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने में आपके पौधे की सहायता करता है, जिससे आप जो ये विल्ट की प्रॉब्लम है उससे काफी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। उसके साथ साथ आप वेलडासिन इस्तेमाल कर सकते हैं रूट जोन में, तो जो आप दूसरी भी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आपको सागर जी ने बताया कि जो नेचर डीप है वो ड्रॉट को ओवरकम करने में बहुत ही सहायक है। अभी जैसे कुछ एप्पल्स के ग्रोअर भी जुड़े होंगे हमारे साथी, तो आप सब जो फेब्रुअरी में बड फॉर्मेशन होता है उस समय जो यंग प्लांट्स होते हैं, मान लीजिए 7 साल 8 साल 10 साल यानी मैक्सिमम 15 साल जो भी प्लांट है, अगर आप 10 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से ड्रेंच करते हैं, यानी कि
10 ग्राम नेचर डीप आप 10 से 12 लीटर पानी में इस्तेमाल करके घोल के उसको ड्रेंच करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आज के समय कुछ समस्या खड़ी हो गई है प्लांट स्ट्रेस की, मैं भी जो मैक्सिमम जो मेरे पास कॉल्स आ रही हैं वो यही आ रही जी प्लांट स्ट्रेस में है, मानसून थोड़ा डिले हो गया है, तो इन चीजों से आप ओवरकम पा सकते हैं, तो वो टमाटर हो, एप्पल हो या दूसरी क्रॉप्स भी हो, तो जो प्लांट स्ट्रेस है उसमें बहुत बड़ा रोल है स्पेशली अपना हिमाचल और कश्मीर के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छे मुद्दे यहाँ पे विकास जी ने हमें बताए हैं। दोस्तों स्ट्रेस जो है प्लांट स्ट्रेस, इसके बारे में हम बहुत ही कम ध्यान दे रहे हैं। देखो नॉर्मली हम जब अपने शरीर की अगर बात करें तो हम इम्यूनिटी बूस्टर जैसे बहुत सारी चीजें खाते हैं क्योंकि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग बना रहे, लेकिन क्या हम सच में पौधों की इम्यूनिटी के बारे में सोच रहे हैं? क्या वो जब स्ट्रेस कंडीशन में है तो वो कैसे अपने आप को सस्टेन करे? तो ये जो मुद्दा है स्ट्रेस कंडीशन का वो बिल्कुल जायज है, वहां पे अगर आप नेचर डीप इस्तेमाल करोगे तो 100% आपको पौधे को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ बात आती है विल्टिंग की, चाहे वो राइजोक्टेनिया है बाकी जो विल्ट के अलग अलग स्पेसीज है, तो नेचर डीप का इस्तेमाल आप अगर करते हो तो फंगल की आपस में एक कंपटीशन वहां पे होती है, और नेचर डीप भी जबकि एक फंगस ही है तो कहीं ना कहीं जब वो डेवलप होती है तो आपके हानिकारक फफूंद है उनका डेवलपमेंट उस हद तक वहां पे हो नहीं पाता, और अल्टीमेटली वो आपको इन विल्टिंग की सिचुएशन में कहीं ना कहीं पौधे को सुरक्षित रखते। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल के पास। गरिमा जी अगला सवाल जो है हम लेते हैं। सागर जी बहुत ही अच्छी बात कही। एक्चुअली जो हमारा सवाल था एक लवदीप सिंह जी का वो इसी से रिलेटेड था, उन्होंने कहा था कि स्ट्रेस के समय कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। तो लवदीप सिंह जी आपको आपका आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगला सवाल हमारे पास आया है शाबाज जी का, जिन्होंने कहा है कि गन्ने में कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बायोरैशनल्स की बात करें। ओके, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। गन्ने की खेती भी हो सकता है मैं बातों में नहीं कर पाया कवर, लेकिन गन्ने की खेती भी पंजाब हरियाणा में अच्छे से होती है, बहुत ही अच्छे किसान मतलब मैंने देखा है बहुत ही इंटरेस्ट लेके गन्ने की खेती यहाँ पे होती है। तो ये दोनों भी उत्पादन नेचर डीप का आपकी सोइंग होती है या ये कहते हैं बुआई हो जाती है, उसके 20 दिन बाद आपको पहले जो है मॉइस्चर वहां पे जमीन में डेवलप करना है, पानी देना है, और उसके 20 सोइंग के बुआई के 20 दिन बाद है 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गन्ने में नेचर डीप का इस्तेमाल करना है। उसके बाद 140-150 दिन पे फिर से एक बार अगर पॉसिबल है, क्योंकि गन्ने में एक बार अगर कई जगह पे प्रैक्टिस से गन्ना बांध दिया जाता है तो अंदर आप जा सकते हो, कई बार वो कई किसान नहीं कर पाते, तो जहां पे वो प्रैक्टिस है गन्ना बांधने की प्रैक्टिस है वहां पे जहां पे आप इजीली जा सकते हो, या फिर ड्रिप इरिगेशन है तो फिर से एक बार आप 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नेचर डीप का इस्तेमाल कर सकते हो। हमने पिछले साल उत्तर प्रदेश में हमारा एक रिसर्च काफी प्लॉट्स पे गन्ने को लेके चल रहा था नेचर डीप का, और इतने अच्छे परिणाम हम देख रहे हैं इस उत्पादन के, क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें न्यूट्रिएंट का बहुत बड़ा रोल है, और रूट जोन अगर आपका प्रॉपर डेवलप होगा तो वहां पे आपको 100% न्यूट्रिएंट अपटेक में प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इस तरह आप नेचर डीप का गन्ने में इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोजिप इजी जो है वो आप गन्ने में जैसे ही आपका एक महीने का गन्ना हो जाता है, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना 12.5 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोल बना के पहले तीनों महीने, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, ऐसे आप लगातार 3 छिड़काव यहाँ पे कर सकते हो। मैं आपको बता दूं गन्ने में प्रोजिप इजी का काम होता है पेशी का विभाजन, पेशी की संख्या बढ़ाना, और हर एक इंसान है चाहे फसल है वो पेशी से बनी हुई है, तो ध्यान रखे गन्ने में जितनी ग्रोथ ज्यादा होगी उतना आपका गन्ने की साइज, गन्ने की गोलाई, गन्ने का मोटापा और गन्ने की यील्ड आपकी बढ़ेगी। तो ग्रोथ के लिए आपको प्रोजिप इजी बहुत अच्छे से काम में आ सकता है, और जैसे मैंने शेड्यूल बोला फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ 12.5 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोल बना के वहां पे आप उसका छिड़काव कर सकते हो। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे गन्ने में जिनका एक्सपीरियंस है
वो आए और प्रोजिप इजी का या नेचर डिप का एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारे किसानों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है कि नीरज जी का, जिन्होंने कहा है कपास में गुलाबी सुंडी के लिए क्या इस्तेमाल करें। नीरज जी, कपास में जो है गुलाबी सुंडी के लिए एक लेबल क्रेम प्रोडक्ट है सुमिटोमो केमिकल का, जिसका नाम है टेनिटॉल, तो उसका जो है उपयोग आप कर सकते हो। स्क्वेयर फॉर्मेशन स्टेज से पहला छिड़काव आप स्टार्ट करिए 40 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से, और ध्यान रहे हर 12-13 दिन के बाद आपको कंटिन्यूस 3 छिड़काव करने हैं। अगर ऐसे आपने 3 छिड़काव आपके साथ आपके पूरे गांव ने अगर किए तो 100% आप पिंक बॉलवॉर्म को जो है वो कंट्रोल में ला सकते हो। धन्यवाद सागर जी। और इसके बाद जो हमारा सवाल है वो इंद्रराज जी का है, जिन्होंने कहा है कि नींबू हरा रहता है, पीला नहीं हो पाता है, कुछ ऐसा कोई आपका प्रोडक्ट है जो कलर लाने में, असली कलर लाने में हेल्पफुल हो? कलर डेवलपमेंट के लिए फिलहाल तो हमारे पास ऐसा कोई उत्पादन उपलब्ध नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ ही साल के अंदर, हो सकता है 1 या 2 साल के अंदर अंदर एक उत्पादन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं फिर से एक बार, एक बायोरेशनल उत्पादन जो कलर डेवलपमेंट के लिए आपका काम करेगा, और मुझे लगता है ये जो समस्या है उसको हम 100% वहाँ पे मतलब जो है उसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, जब आपकी साइज डेवलपमेंट 70% अचीव होती है तो उस खेत में थोड़ा पोटाश का जो है वहाँ पे आप अपटेक बढ़ाइए पौधे में, नेचर डीप का इस्तेमाल करिए और पोटाश का एप्लीकेशन चाहे 0050 के माध्यम से हो वहां पे आप करिए, ताकि जो कलर डेवलपमेंट स्टेज है वो नॉर्मली सही समय पे आपकी अचीव हो जाए। सागर जी, जो अगला सवाल हमारे पास आया है वो अगले सवाल वो रमेश जी का है, उन्होंने कहा है कि नेचर डीप का इस्तेमाल उन्होंने आलू की फसल में किया था और काफी फायदा हुआ है उन्हें। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं फिर से एक बार, जितने भी हमारे आलू के अगर किसान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या आगे जाके देखेंगे, बिल्कुल आप तैयार रहिए इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में। आलू के खेती में ये उत्पादन नेचर डिप क्रांति करने वाला है, बहुत बड़े लेवल के आपके फर्टिगेशन जो है वो कम होने वाले है और बहुत ही अच्छी उपज गुणवत्ता के साथ आप आलू की ले सकते हो। इस साल हम कोशिश करेंगे कि हर एक आलू के किसान तक हम इस उत्पादन को पहुंचाए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा हो। उसी के साथ मैं कमल जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे बायोरेशनल प्रोडक्ट के बारे में आपकी राय आप रखिए, कैसे आपके एरिया में लोग इसका उपयोग कर रहे हैं हमें जरा बताएं। जैसा किसान ने भी बताया रमेश जी ने कि उनको आलू पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो अभी बात की जाए हरियाणा के जो किसान है वो लगभग सभी फसलों में हमारे बायोरेंस प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। प्रोजी का बहुत इस्तेमाल होता है गन्ने के लिए, जैसा वरदान के जैसा प्रोडक्ट है ऐसे ही सेम नेचर डीप का है। नेचर डीप का इस्तेमाल किसान सभी सब्जियों के अंदर करते हैं, सब्जियों के साथ साथ गन्ने के किसान बहुत अच्छा नेचर डीप का इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट किसानों को मिल रहे हैं। वो गन्ना ही अलग दिखाई देता है जहां पे नेचर डीप का इस्तेमाल किया हो। और सागर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गन्ने की फसल है वो बहुत लंबे समय की फसल है, किसान एक बार बिजाई करता है और उसको 2 साल तक लेता है, तो इसलिए नेचर डीप का फायदा किसान को 2 साल तक मिलता है। तो गन्ने का जो किसान नेचर डीप का इस्तेमाल करता है वो तो मतलब एक तरह से कहता है कि ये वरदान है गन्ने के लिए। ऐसे ही हमारे आलू के बहुत अच्छे अच्छे किसान है, हमने कुछ इस बार लास्ट ईयर हमने कुछ ट्रायल कराए थे, बहुत अच्छे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है तो उन्होंने बहुत ही अच्छा इसका हमें रिस्पांस दिया है और इस साल उनका हमें माइलेज भी मिलेगा। शाहबाद में आलू की अच्छी खेती होती है तो आलू है, वेजिटेबल्स है और इवन कुछ एरिया में स्ट्रॉबेरी लगती है, तो स्ट्रॉबेरी में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें नेचर डीप के मिले हैं। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो डाइपल है, चाहे वो नेचर डीप है, चाहे वो प्रोजिब है, इसका इस्तेमाल साल दर साल हरियाणा के किसान कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और किसान बहुत ही खुश है।
आप किसी भी एरिया के किसान से अगर संपर्क करेंगे हरियाणा में, तो बायोरेशनल्स के रिजल्ट से वो बहुत ही ज्यादा खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, बहुत अच्छा लगा कि हमारे हरियाणा के किसान जो है वो बायोरेशनल्स का उपयोग कर रहे हैं और बायोरेशनल का उपयोग करके वो काफी खुश है। साथ ही साथ हमारे साथ और भी हमारे एक्सपर्ट हैं, मैं इनवाइट करूंगा अगर इन बायोरेशनल के प्रोडक्ट के लिए, अगर आपके एरिया के लिए आपको कुछ कहना है तो। सागर जी, मैं विकास ऐड करना चाहता हूं एक पॉइंट। एक अपने हिमाचल के ग्रोवर हैं जिनका क्वेश्चन है कि एप्पल में माइट के लिए क्या कर सकते हैं। मैं अपने जो ग्रोवर भाई हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि एप्पल के लिए पहले आपको देखना है कि आपके जो लीफ है एप्पल की, अगर आपको लगता है 2 से 3 माइट पर लीफ भी दिख रही है तो आप बोर्नियो का स्प्रे कर सकते हैं इस समय। अगर आपको लगता है, क्योंकि आपने लिखा नहीं कि माइट आई हुई है या कितनी है पर लीफ, तो अगर आपको लगता है कि नहीं एक लीफ पे बहुत ही ज्यादा है, तो अपना एकेरिसाइड कम इंसेक्टिसाइड है म्योथ्रिन, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 200 से 250 ml पर ड्रम, यानी 200 लीटर पानी में। बिल्कुल गरिमा जी, और कोई सवाल है? सागर जी, और कोई सवाल अभी तो नहीं है, लेकिन जाने से पहले, अब हम प्रोग्राम के अंत में आ चुके हैं और जाने से पहले एक बार फिर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सुनील जबरे जी को कि यहाँ पर आए और अपना एक एंड नोट इस प्रोग्राम का दें। सुनील जी। ओके, थैंक यू गरिमा मैम और सागर जी, और फिर एक बार सभी किसान भाइयों का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने आपका समय दिया यहाँ पे। और ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे तो मैंने सुन लिए और सागर जी ने, बाकी टीम ने उनके काफ़ी सारे सवालों का हल भी दे दिया है, पर इसके बाद भी कई सारे सवाल आएंगे और कई सवाल होते हैं, जो जैसे अभी फसल आप बिजाई करोगे, जो भी फसल आप जाओगे उस फसल में फिर वो चैलेंजेस आते हैं, सवाल आते हैं, तो आप जब भी आप चाहते हो ये पूछ सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे, या फिर आप आपके कमेंट्स में भी डाल सकते हो बाद में भी। तो मेरा यही कहना है थोड़ा सा, कभी भी सुमिटुमों के बारे में है, सारी फसलों के बारे में है, सभी किसान भाइयों से यही कहना है कि ये देखो कि पहले तो मैं चाहता हूँ, एक किसान का बेटा होने के कारण मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इस चीज को बड़ा सा समझे कि फसल, चाहे मेरी फसल कोई भी हो, चाहे वो नरमा हो, चोना हो, ग्राउंड नट हो, शुगर केन हो, कोई भी फसल हो, वो हमारे बच्चों से तो कोई हमें कम नहीं है, हमारे बच्चों जैसे ही हम लोग उसका ख्याल रखते हैं। जब उनकी फसलों की परवरिश, जैसे हम देखते हैं बीज बिजाई के बाद से लेके आखिरी तक हम उस फसल के साथ में होते हैं, तो हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम उनमें कौन सी दवाइयां डाल रहे हैं। डालते समय एटलीस्ट मेरी सारे किसान भाइयों से एक विनती हाथ जोड़ के कि जो दवाइयां आप डालोगे वो दवाइयां कौन से कंपनी की है, मैं कंपनी की जगह पे बोलूंगा कौन से खानदान की है, खानदान होते हैं, तो ऐसे कौन से कंपनी की है, कौन से खानदान से ताल्लुक रखती है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। क्योंकि मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जेएंडके, राजस्थान, कई जगह अपने जो नॉर्थ के सारे किसान भाइयों पे देखते आ रहा हूँ अभी तक, कि बेचारे किसान जाते हैं समस्या लेके और दवाइयाँ लेके आते हैं और डाल देते हैं। कई सारे किसान है, नो डाउट जागरूक किसान बहुत सारे जो नाम से मांगते हैं, जैसे भी लैनो में जानता हूँ, लैनो नाम से मांगते हैं, पर कई किसान भाई है जो समस्या लेके जाते हैं। आप समस्या किसी को बोलोगे तो ऑब्वियसली उसका फायदा आपका उठाया जाएगा। तो सुमिटुमो है जो जापानीज है और जापान है, तो विश्वास है, फेथ है, भरोसा है और क्वालिटी है। जापान को जानते हो तो क्वालिटी के बारे में ही आप जानते हो। अभी तक अपने जो नॉर्थ में है, जो चाहे नरमे की फसल हो, चोने की फसल हो, या फिर बाकी वेजिटेबल्स हो, या फिर एप्पल है, हर जगह पे आपने देखा है, हर जगह पे किसी ना किसी प्रोडक्ट को आप सुमिटुमो के बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। जैसे मैं यदि नरमे की बात करूँ तो लैनो ये पहचान है सुमिटुमो की, लैनो की तौर पे। यदि मैं चोने में बात करूँ तो वहां पे आप
डेनिटॉल का नाम लेते हो, आप होशियारो का नाम लेते हो, यदि मैं एप्पल में चला जाऊं लेते हो, यदि मैं कश्मीर में भाइयों के पास चला जाऊं तो आप या प्रोजिप का नाम लेते हो। तो ये सारे सुमितोमो के उत्पाद हैं और जिसकी क्वालिटी ये प्रोडक्ट आपने आपके खेतों में फसलों में डाल के आपने इसके रिजल्ट देखे हुए। वैसे ही कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये थोड़ा सा सेशन हमने अलग से जो बायोरेशनल प्रोडक्ट्स है, जो बायो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में रखा था। तो ये भी प्रोडक्ट इतने ही दमदार क्वालिटी के हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इनके काफी सारे रिजल्ट्स, काफी सारे जो किसान भाइयों ने इनके रिजल्ट्स देखे हुए हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि ये सारे प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल करो, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। सिर्फ एक चीज ध्यान रखो कि जब कोई फसल होती है, फसल के मेरे जो किसान भाई है वो फसल जमीन के ऊपर हम देखते हैं। मेरे आप लोगों से एक विनती है कि फसल को जमीन के ऊपर से ज्यादा जमीन के नीचे भी देखना बड़ा जरूरी होता है। अब दिखता है हमें जमीन के ऊपर, पर जमीन के नीचे का पता नहीं होता है, तो इसलिए हम ध्यान भी ऊपर ही ज्यादा देते हैं, नीचे नहीं देते हैं। तो नीचे जमीन नीचे के लिए जो दवाइयां बोली हुई है, जो बायो प्रोडक्ट बोले है, उसमें सबसे बेस्ट नाम जो आता है वो नेचर डिप का। अब नेचर डिप के फायदे और सारी चीजें जान गए हो आप लोग, तो मेरी विनती है नेचर डिप को आप कई सारे फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो बोले गए हैं, सागर जी ने बताया है, बाकी लोगों ने, सारे जो अपने टीम मेंबर्स उन्होंने बताया, तो इनका इस्तेमाल आप जरूर करना, नेचर डिप का इस्तेमाल आप जरूर करो। प्रोजीप, प्रोजीप जैसा केमिस्ट्री नहीं है, प्रोजीप इजी जैसी केमिस्ट्री नहीं है। वो जैसे देखो एक चीज है कि ये है जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड खुद पौधा बनाता है। आज हम पौधे से उपज चाहते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा चाहते हैं कि ये ज्यादा उपज मिले। अब ज्यादा उपज मिले तो पौधे में ज्यादा जिब्रेलिक एसिड बनना भी जरूरी है। तो ये जिब्रेलिक एसिड ये प्योर ऑर्गेनिक फॉर्मूला है, जो खुद मतलब पौधे में डालोगे तो वो काम करेगा और जिब्रेलिक एसिड की लेवल बढ़ाएगा ताकि हम उपज ज्यादा ले सकते। वैसे ही बाकी सारी केमिस्ट्रीज है वो बहुत अच्छी केमिस्ट्रीज है। तो मेरी सभी किसान भाइयों से यही कहना है कि सुमितोमो के उत्पादों का आप बढ़िया तरीके से प्रयोग करो, इस्तेमाल करो और अपनी फसल को कीड़ों से या फिर जो बीमारियों से दूर रखो, और अच्छी उपज के लिए हम आपके साथ हैं। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हो किसी भी माध्यम में। हम दो तीन माध्यम पे साथ जुड़े हुए हैं, एक तो काफी सारे फील्डिंग हमारी साथ में फील्ड में होती है, सेकेंड यूट्यूब के थ्रू आप ज्वाइंट हो सकते हो, फेसबुक पे हमारे काफी सारे चीजें, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे हमारी एक वेबसाइट भी है, वहां पे भी आप हमसे काफी सारे सवाल पूछ सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। मेरी तरफ से इतना ही था, धन्यवाद सागर जी, धन्यवाद गरिमा जी और टीम। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। तो दोस्तों ये थे श्री सुनील जावरे, हमारे टीम लीडर नॉर्थ रीजन के। और एक सवाल हमेशा आता है जब हम बात करते हैं बायो रैशनल्स की, लोगों के मन में ऐसा कुछ ख्याल रहता है कि ये कुछ अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं तो शायद किसी अलग तरीके की जगहों पे मिलेंगे। तो दोस्तों ये एक क्लैरिटी आपको देना चाहेंगे, ये एक बात आपके सामने क्लियरली बताना चाहेंगे कि ये जो भी उत्पाद अभी सागर जी ने या विकास जी ने, कपिल ने, सुनील जी ने, सभी ने बताए, चाहे वो नेचर डीप हो या प्रोजिप इजी हो या डाइपल हो, ये जितने भी उत्पाद हैं ये सभी उपलब्ध हैं, बहुत ही इजीली उपलब्ध हैं पंजाब और हरियाणा में, हर जगह। आप किसी भी अपने नजदीकी विक्रेता के पास जाएंगे और आपको नाम से इन प्रोडक्ट्स के बारे में पूछना है कि जी नेचर डीप चाहिए, तो अगर ये ध्यान रखें कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि आप इन प्रोडक्ट्स का नाम याद रखें और इन प्रोडक्ट्स के बारे में नाम से पूछें, और आपको ये प्रोडक्ट्स जरूर मिल जाएंगे। और अगर आपको नहीं मिलते हैं किसी कारणवश, हालांकि ऐसा होगा नहीं आप, लेकिन हमारी पूरी पंजाब की टीम को रीच आउट कर सकते हैं आप। फार्मिंग ट्यूब पे हमारा ये जो चैनल अभी इस समय जो लाइव चल रहा है, आप इसमें अपना चैट डाल सकते हैं, आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। और अभी भी अगर आप में से यहाँ पर मौजूद लोगों में से कोई भी ऐसा है जिसको कोई भी जानकारी चाहिए हो कि ये उत्पाद कैसे मिलेंगे, तो कृपया चैट बॉक्स में जरूर लिखें और आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। अपना सवाल और अपना फोन नंबर साथ में डाल दें, हम सभी लोग आप तक पहुंचेंगे और आपकी जो भी समस्या है उसको हल करेंगे। तो इसी
बात के साथ आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए, और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम का जिन्होंने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए और इस चर्चा का एक हिस्सा बने। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमारी यही सीरीज, इसी सीरीज की बायोरैशनल्स नेक्स्ट की जो अगली कड़ी है वो होने वाली है हरियाणा के किसानों के साथ। तो आप सभी से विनती है कि जिन्होंने भी किसी कारणवश इसको नहीं देखा या लेट में ज्वाइन किया, हमें जरूर ज्वाइन करें कल की कड़ी में। फिर से नाम वही है, बायोरैशनल्स नेक्स्ट, कृषि उत्पादन का एक नया आयाम, जहां पर हम जुड़ेंगे हरियाणा के किसानों के साथ और बात करेंगे हरियाणा की खेती के संदर्भ में और जानेंगे बाकी सभी लोगों से कि क्या है उनकी राय। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बायोरैशनल्स नेक्स्ट ये श्रृंखला है जो हमारी जारी रहेगी 19 जुलाई तक, तो कृपया इस श्रृंखला का हिस्सा बने, फार्मिंग ट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें इस सफर में। सागर जी, अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसानों का जो इस प्रोग्राम में जुड़े, और ये जो नया पर्व है मैं कहूंगा बायोरैशनल नेक्स्ट का, तो एक अच्छी खेती करने के लिए और हमारे नए पीढ़ी को एक अच्छी खेती हैंडओवर करने के लिए ये बायोरैशनल नेक्स्ट प्रोग्राम जरूर आपकी सहायता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार आप सभी को। और